बोले सर आपका क्या परेशानी है? हम लोग को परेशानी ये है, जो हम लोग इधर आए मतलब काम किए थे जो जी, 2 महीना हो गया हम लोग का इधर, सैलरी लुका हुआ, हम लोग को पेमेंट वेमेंट नहीं मिला इधर जी। और हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर है वो एवर संडे है जी, और कंपनी जो है वो लोधा है जी, लोधा वर्ल्ड वन टावर है, सबसे बड़ा कंपनी है जी। लेकिन अभी हम लोग को जो है 10 दिन हो गया जी, लॉकडाउन जब से हुआ अब तक 10 दिन हो गया जी। 10 दिन तक कोई पता सता कुछ नहीं, ना कोई फोन, ना ठेकेदार को कॉल करते, ना वो उठाता रिसीव करता कॉल, और उठाता भी है तो बोलता हमको कंपनी वाला पेमेंट नहीं देता, हम कहाँ से आपको दे। मतलब आप लोगों का कोई एक्शन नहीं लेता है? नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई देखभाल करने वाला है नहीं, समझ लो मरो सरो कुछ भी करो, मतलब आप लोगों को पेमेंट भी नहीं मिला सर? नहीं, कुछ नहीं मिला है। बाकी हम लोग अभी इधर फंसे हैं, हम लोग को जो है हम लोग का प्रधान मुख्यमंत्री से माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील है कि हम लोग को यहाँ से निकाले किसी तरह, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं इधर, और इतना देखिए हम लोग 30-35 आदमी हैं और हम लोग इधर फंसे हुए हैं, और इसमें कुछ है भी नहीं, मार्केट वगैरह गए। मतलब आप लोग 2 दिन से भूखे हैं इधर? जितना था उतना खा लिए हैं, उसके बाद अब आगे की कोई जुगाड़ नहीं है हम लोग के पास, जितना बढ़ के था हम लोग के पास वो सब खा लिए हैं, अब आगे का इससे आगे का कोई जुगाड़ नहीं है, क्या होगा नहीं होगा अब इसी में जो है। लोग कहता है कि कोरोना वायरस से पहले हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ खाना पीना नहीं जाएगा तो क्या होएगा, इसके लिए तो कुछ जुगाड़ चाहिए ना। पहले बोल रहा था कि कोरोना वायरस, तो पहले ही बोल देना चाहिए ना जी, कि कोरोना वायरस की वजह से हड़ताल रखेंगे तो 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले अपने अपने घर पे सब जाके पहुंच जाता, अपने जुगाड़ कुछ कर लेता जी, उसके हिसाब से होना चाहिए ना। ऐसा कर दिया कि ना हम इधर के ना उधर के बीच रास्ते में रोक दिया जी, ना अभी हम घर जा सकें, ना कहीं मार्केट जा सकें, कुछ नहीं, ना हम लोगों के पास पैसा है, ना कुछ है, ना पगार हुआ 3 महीने तक। मतलब आप लोगों का सेट फोन रिसीव नहीं कर रहा है? हम लोगों का सेट नहीं, फोरमैन कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है। ऐसा है हम लोग, ऐसा बुरी तरह से हम लोग फंस गए कि हम लोगों का कोई पूछने वाला मतलब नहीं। कंपनी वाला भी एक्शन नहीं ले रहा आप लोग? नहीं, कंपनी वाला भी नहीं लेता ना, ऐसा बात है, इसकी वजह से हम लोग सब फंस गए जी। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पे यही बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशानी में ऐसे ही जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहा जाए, हम लोग कटिहार जिले के सब रहने वाले हैं जी, बहुत परेशानी है हम लोग को, यहाँ पे ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है, कोई सुनता भी नहीं है कहते हैं जी, यही परेशानी है, हम लोग जहाँ के वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, नहीं तो कोरोना वायरस से पहले हम लोग भूख से मर जाएंगे, यही बोलना था हमको और कुछ नहीं। मतलब खाने पीने तक भी नहीं है? खाने पीने तक नहीं है, जो राशन था सब खा लिया हम लोग, और कुछ है ही नहीं खाने के लिए, खाएंगे क्या, बहुत परेशानी है हम लोग को, कोई सुनता नहीं है हम लोग का, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पहले भी बोले ज्यादा नहीं कर जाते हम लोग, हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग ऐसे चाहते हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षित घर पहुँचाया जाए? हम लोग को सुरक्षित घर पहुँचाया जाए, नहीं तो खाने पीने के लिए हम लोग को दिया जाए, खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, ना घर पहुँचाने का व्यवस्था है, हम लोग क्या करें कैसे करें, हम लोग को तो मतलब बहुत परेशान में पड़ गए, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ माधा काम नहीं करता है हम लोग। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नीतीश कुमार सरकार से बोला इतना एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी कटिहार जिले के हम लोग जितने भी हैं, बदलामपुर क्षेत्र के हम लोग हैं जी, हम लोगों को सुरक्षित वहां तक पहुंचा दिया जाए बस। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात है जो भाई लोग सब बोले हैं, इसी में जो हम लोग का बस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना घर तक पहुँच जाए, इसी में हम लोग संतुष्ट हैं, भले 3 महीना क्या 6 महीना के लिए लॉकडाउन रहे उससे दिक्कत नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पे भी दिक्कत में, हम लोग को हम लोग का घर वाला दिक्कत में है, क्योंकि हम लोग इधर कुछ मिल नहीं रहा है, सब तकलीफ में, हम लोग पूरा राशन पानी कुछ नहीं, दुकान जाओ तो दुकान में 2 घंटे में लाइन लगो, और जो चीज़ नहीं मिलता है अभी तब भी बोलता नहीं है, इधर हम लोग को घूम के आना पड़ता है, पैसे तो है नहीं, पैसे किसी के पास भी नहीं, जो था सब खा लिया, घर से भगा के इधर उधर से जितना भी था सब खा लिया, हम लोग गरीब आदमी मजदूर आदमी, हम लोग मजदूर करने वाले, डेली 500 रुपये कमाते हैं, उसमें से 200 हम लोग खाते, 300 घर बेचते, घर वाला भी किधर से देगा हम लोग को, बात तो सही है। और हम लोग का जो भी पगार पानी था वो अगर मिल जाता है, हम लोग को पहले कंपनी वाला बोल देता कि आप लोग जो है 10 दिन पहले बोल देता कि इधर से चले जाओ, या 4 दिन भी पहले बोल देता, पहले बोला गया कि मंडे को रहेगा, मंडे को लॉकडाउन रहेगा, हम लोग को चलो मंडे के बाद तो फिर चालू रहेगा, संडे मंडे रहेगा, उसके बाद 24 तारीख को बोला गया, फिर एक बार हमारा जो है माननीय नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री साहब, फिर एक बार में डिसाइड कर लिया कि हम लोग को जो है अब जो है 14 अप्रैल तक रहेगा, 14 अप्रैल तक रहेगा। बोलिए ना, बोलिए, शर्माने की कोई बात नहीं, हम लोग के लिए पास क्या आपके साथ परेशानी है वो चीज़ बोलिए।
देख सर, हम लोगों के पास कोई सामान नहीं है खाने पीने का, ना कुछ है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। सारे देखो, सारे बंदों को भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। कुछ राशन मंगा जा रहे हैं दुकान के पास, राशन वाला के पास जा रहे हैं, वो लोग 2 घंटा 3 घंटा लाइन लगा रहा है। इसके वजह से किसी के पास पैसा है ना कोई है। सेठ भी, सेठ को फोन कर रहे हैं तो सेठ भी हम लोग का रिसीव नहीं कर रहा फोन। आपको फोनमैन को फोन कर रहे हैं तो फोनमैन भी रिसीव नहीं कर रहा फोन। आपको के पास पैसा नहीं है, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया गया है? मुआवजा नहीं दिया गया है। ओके, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने पीने का पैसा नहीं है। बात बोल, हम लोग को केबीसी वाला, हम लोग केबीसी वाला से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब से तक पहुंचा दिया जाए हम लोग का बात, ताकि कुछ ना कुछ हम लोग के लिए सुविधा करे। और हम लोग बहुत मजबूर हैं और बहुत लाचार है। अभी हम लोग का कोई चारा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। हम लोग इधर मर जाएगा, अगर 14 तारीख तक रहेगा इधर बिल्कुल मर जाएगा। हम लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, ओके।